हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज मेरे पास फ्री फायर स्पोर्ट रिलेटेड काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और डेली अगर स्पोर्ट कम्युनिटी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, पहले बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट्स के बारे में। तो गाइज, कल अनलिमिटेड शोडाउन टूर्नामेंट खत्म हुआ और इसकी चैंपियन है ओजी इलीट। और अगर स्कोर की बात करें तो ओजी इलीट ने किया 246 स्कोर और सेकेंड है गॉडलाइक 231 स्कोर और थर्ड है द माफिया 230 और फोर्थ है देसी गेमर 213। और बाकियों का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख। नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट है रॉयल मास्टर्स सीजन 4 टूर्नामेंट का, जिसमें डे 4 के ओवरऑल स्टैंडिंग में टेबल टॉप किया देसी गेमर्स ने 106 स्कोर के साथ और सेकंड है ब्लैक फ्लैग आर्मी 86 स्कोर के साथ और थर्ड है रेवेनेंट स्पोर्ट 67 स्कोर के साथ और फोर्थ है यूजी एम्पायर 63 स्कोर के साथ। और बाकियों का स्कोर भी पॉज करके देख सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट है इंटरनेशनल रिजल्ट। तो गाइस, LGDS ने टूर्नामेंट जीत लिया है, मतलब वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई कर लिया। LGDS ने फ्री फायर स्प्रिंग कप 2020 ताइवान जीत लिया है और ऐसा समझो कि यह ताइवान का FYC है। और स्कोरबोर्ड की बात करें तो LGDS ने किया 125 स्कोर, सेकंड टीम का स्कोर है 85 स्कोर और थर्ड टीम का स्कोर है 82 स्कोर। और ये टीम नेम्स तो रीड नहीं कर सकता, इसलिए स्कोर बता। और प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो LGDS को मिला एंटी 70,000 और रनअप को मिला, फर्स्ट रनअप को मिला एंटी 50,000 और सेकंड रनअप को मिला एंटी 30,000। और इंडिया के करेंसी के हिसाब से कितना प्राइस पूल है जानना चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च करके देख सकते हो। तो गाइज, आप बात करते हैं कुछ स्पोर्ट अपडेट्स के बारे में। आज का पहला अपडेट है ओरागेमी स्पोर्ट की तरफ से। तो गाइज, ओरागेमी स्पोर्ट में एक न्यू प्लेयर ज्वाइन हो चुका है, उसका नाम है राहुल। और इसका रोल अभी क्या है वो तो पता नहीं है, जब पता चल जाएगा मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो गाइज, नेक्स्ट न्यूज़ है ओरागेमिंग की तरफ से। तो गाइज, ओरागेमिंग ने सर्वर जो अलग हो रहा है अभी और क्या सीन है सबके बारे में बात किया, मतलब क्या हो सकता है आगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि क्यों गरीना सर्वर्स को अलग कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग ओरागेमिंग ने डिटेल में एक वीडियो बनाया, तो मैं वीडियो का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया बोलोगे तब ठीक है, बाकी ये चीज मैंने आपको बता दी, बट अब तुम लोग बोलोगे भाई ये क्यों करा जा रहा है। देखो, आपको पता है कि भाई राइट नाउ रीजनल बेसिस पे काफी सारी चीजें थी, काफी सारी चीजें आने वाले टाइम पे गरीना फ्री फायर प्लान कर रही है, बट मेरे ख्याल से गरीना फ्री फायर कहीं ना कहीं हमारे रीजनल बेसिस और कंट्री बेसिस से हट करके कॉन्टिनेंटल बेसिस पे जाना चाहती है। जिस तरीके से आपको पता होगा पबजी और BGMI के जो सर्वर्स हैं वो कॉन्टिनेंटल बेसिस पे वर्क करते हैं, हमारे अमेरिका, हमारे यहाँ पे मीना और हमारे एशिया, साउथ एशिया, तो कॉन्टिनेंटल बड़े 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 लैंडमार्क पे वर्क करते हैं, जिससे एक बड़ा एरिया एक ही सर्वर के अंदर खेल पाता है, एक बड़ा प्लेयर बेस एक ही सर्वर के अंदर खेल पाता है, जिसका एडवांटेज मिलता है प्लेयर्स को, यूट्यूबर्स को कंटेंट के तौर पे, व्यूअरशिप के तौर पे। बट अभी गरीना फ्री फायर मेरे ख्याल से वही कदम लेने वाली है धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि अचानक से, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको पर्टिकुलर पैसिफिक एक साउथ एशियन सर्वर देखने को मिले, एशिया से हट करके, जहां पे आपको पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी के सभी एक ही सर्वर में नजर आए। अभी श्रीलंका मेरे को जहां तक। और गाइस, पूरा वीडियो देखने है तो गेमिंग और आपके चैनल पे जाके देख सकते हो। तो गाइज, अगला न्यूज है AU स्पोर्ट की तरफ से। तो गाइज, AU स्पोर्ट ने जो सर्वर अलग हो रहा है अभी नेपाल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर बात किया। तो AU स्पोर्ट ने क्या कहा मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स जो कि हिंदी में वीडियोस बनाते हैं उनका काफी बड़ा ऑडियंस बेस इंडिया से है। इवन अगर मैं बात करूँ ई स्पोर्ट्स कैटेगरी तो इस पर तो और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज काफी सारे प्लेयर्स जो कि इंडिया रीजन में काफी बड़ा नाम बना चुके हैं, जैसे कि ड्रैगो हो गए, रोहित हो गए, अभी KMBH जिसको वाइटैलिटी ने हायर किया, ओके, इतने बड़े बड़े नाम है जो कि मतलब काफी बड़ा नाम बना चुके हैं, काफी अच्छा खासा अर्न कर रहे थे ई स्पोर्ट्स से, यू नो प्रोफेशनल सर्किट में काफी अच्छा। और गाइज, मैंने बहुत ही छोटा सा पार्ट दिखा है, इसलिए अगर पूरा वीडियो देखना है तो AU के चैनल पे जाके देख सकते हो, AU स्पोर्ट चैनल पे जाके। तो गाइज, नेक्स्ट न्यूज है ओजी इलीट की तरफ से। तो गाइज, ओजी इलीट के बुट कैंप में तनेजा OP और CES डुकर आ चुके हैं। और जिनको भी नहीं पता बता दूं, CES डुकर एज ए एनालिसिस मतलब काम करते हैं, तो शायद ओजी इलीट के एज ए एनालिस्ट होंगे CES डुकर अब से। और गाइज, CES डुकर का कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया ओजी इलीट की तरफ से। तो गाइज, ये एक बहुत तगड़ा रूमर समझ लो, मतलब गाइज 100% कन्फर्म नहीं है, 99% कन्फर्म ऐसा समझ लो। गाइज, नेक्स्ट न्यूज है रॉकी एंड आर्टिक्स की तरफ से। तो गाइज, रॉकी एंड आर्टिक्स 3-4 दिन से लाइव नहीं किया था, तुम लोगों को पता होगा। उसके बाद रॉकी भाई को बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे थे कि रॉकी भाई ने शायद स्पोर्ट को लेफ्ट कर दिया, यूट्यूब को लीव कर दिया है। रॉकी भाई जब लाइव आए इसी चीज के रिगार्डिंग रॉकी भाई ने बात किया, तो रॉकी भाई ने क्या कहा तुम लोग देख लो खुद ही। देखिए, आप पढ़ भी सकते हो, ऊपर लिखा है जस्ट चैटिंग। गाइस, दो तीन चीजें हैं जो मैं आप सबके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि मैं 3-4 दिन लाइव नहीं आया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई और इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी बातें लिखी, मैं तो हैरान हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉकी ने शायद गेम छोड़ दिया, कुछ कह रहे हैं रॉकी फिर से बैंक की नौकरी में चला गया, ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद रॉकी को बुरा लग गया
ऑडियंस की वजह से तो इसलिए रॉकी चला गया। देखो पहली चीज तो तीन में से एक भी बात नहीं है। चीज ये है जो असली बात मैं आपको कहूंगा कि अभी दो बड़े मेजर टूर्नामेंट आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये जो स्टेट वॉरफेयर है, तो अलग अलग प्लेयर अलग अलग स्टेट का है, बट उसको एक जोन में ला के खिलाने का है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें टीम से बात करनी पड़ी। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है एक एक टीम दिन में चार चार पांच पांच टूर्नामेंट खेल रही होती है, तो उनसे मीटिंग करना इतना आसान होता नहीं, तो दो से तीन दिन उसमें लग गए। एंड मेरा रूटर का कॉन्ट्रैक्ट शायद सेंक्शन हो चुका है, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कहा था जनवरी में मैंने वादा किया था, बट वो अब जाके गाइज पूरा होगा आपका लेट मार्च में और अप्रैल के स्टार्टिंग में। 2 लाख रुपए के प्राइस पूल का रूटर का टूर्नामेंट आ रहा है। अब गाइज क्या है ना, लोग समझते हैं टूर्नामेंट कराना बहुत आसान है, टूर्नामेंट के लिए पीपीटी बनानी पड़ती है। और गाइज पूरा लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो गाइज आज का न्यूज बस इतना था, आज का अपडेट इतना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जब तक कोई नया वीडियो नहीं आता स्क्रीन पे, जो दोनों वीडियोस दिखाई दे रहे दोनों वीडियोस देख सकते हो। बाय।